हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा स्वागत करता हूं आपका आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसे अपन बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूड के बारे में। यहां से एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको मैं टॉपिक के साथ साथ कवर कराता रहूंगा। तो क्लास को आप लास्ट तक देखें, और जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर क्लासेस का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ साथ हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर कुछ हमने फ्री टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। वेबसाइट है rjcareerpoint.com, जहां पर आप अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम और पासवर्ड फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम जो कंबाइन एम्स का एग्जाम होने वाला है दिसंबर सेकेंड वीक के अंदर, उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज तैयार कर ली है और एक दो दिन में हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में आपका पीजीआई का और ऋषिकेश का एग्जाम होगा, उनके लिए भी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर आप हमारे साथ बने रहिए, हम घर बैठे आपको एक कंप्लीट कोचिंग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलर आपकी क्लासेज हो रही हैं, क्लासेज में आपकी अभी एमएसएन, साइकेट्रिक और फंडामेंटल और ओबीजी क्लासेज कंटिन्यू चल रही है, और नेक्स्ट वीक से आपकी पीडियाट्रिक्स कम्युनिटी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाएं। गुड आफ्टरनून। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास डिले हो चुकी है, ठीक है। आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, तो आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लाइव आ जाएं। और इसकी रिगार्डिंग में आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, ESIC के अंदर कुछ 78 पोस्ट स्टार्ट होने वाली है, उनके लिए फॉर्म अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन विद इन 1 to 2 वीक ESIC के अंदर नई वैकेंसी आने वाली है। तो आप रेगुलर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, और भी एग्ज़ाम आने वाली है, CISF के अंदर भी कम से कम 400 पोस्ट आने वाली हैं, तो अपनी स्टडी को आप स्टॉप ना करें। रेगुलर आपकी एग्ज़ाम्स रहेंगी और कंटिन्यू हम यहाँ से आपके लिए टेस्ट सीरीज और क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बस आप अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें अपन बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड क्या एक प्रकार का क्लियर लिक्विड है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? क्लियर लिक्विड होता है, ठीक है। जिसके कलर की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता है? कलरलेस, ठीक है। लेकिन एट टर्म इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? पेल येलो या अंबर कलर का मतलब क्या होता है? येलोइस विथ ऑरेंज कलर। कौन सा? येलोइस विथ ऑरेंज कलर। ये बात करें कब? एट टर्म, टर्म कंडीशन के अंदर ये कलर होता है, ठीक है। एक बार आप शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं, ठीक है। हमारे जो ग्रुप है आरजे केयरपॉइंट का, उसके अंदर आप पेस्ट कर दें। क्लियर लिक्विड होता है एक प्रकार का, जो क्या होता है? स्टार्टिंग में कैसा होता है? कलरलेस। और एट टर्म कैसा होता है? पेल येलो या अंबर कलर का होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है? एक बेबी को फ्री मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर जब बेबी रहता है उसको क्या करवाता है? फ्री मूवमेंट करवाता है। और इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बेंट का काम भी करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम भी करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लास के अंदर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की, या क्लास रुक के आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं अपन इसके फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन की अगर अपन बात करते हैं तो एग्जैक्ट ये किसका फॉर्मेशन जो क्या है अभी स्टिल अननोन। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी स्टिल अननोन है, ठीक है। लेकिन कुछ रिसर्चर के अकॉर्डिंग जो एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? फीटल एंड
मैटरनल एक्सुडेशन, सॉरी फीटल एंड मैटरनल एक्सुडेशन से, सॉरी यहां से फीटल और मैटरनल, सॉरी एक्सुडेशन है ट्रांसुडेशन से। देखिए दो प्रकार के फॉर्म होते हैं एडिमा जो कंडीशन होती है, अगर अपन कई बार कंडीशन देखते हैं एडिमा की, इससे रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बता देता हूं, इजीली समझ में आएगा। एडिमा हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक होता है एक्सुडेशन, एक होता है ट्रांसुडेशन, ठीक है, एक्सुडेशन और ट्रांसुडेशन। अब हम बात करें कि फीटल और मैटरनल ट्रांसुडेशन से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसुडेशन का मतलब जस्ट एज ट्रांसफर होकर फ्लूड क्या हो जाता है, कलेक्ट होता है, और एक्सुडेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस के द्वारा अगर फ्लूड कलेक्ट हो रहा है कहीं पर बॉडी के किसी भी पार्ट में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस के द्वारा, वीडियो रुक के चल रहा है, एक बार देखते हैं रुको, अगर किसी भी प्रोसेस होती है कोई भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, उसके अंदर कोई भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस में फ्लूड कलेक्ट होता है, वो कैसे होता है, एक्सुडेशन से। और अगर विदाउट एनी इंफ्लेमेशन या विदाउट एनी इंफेक्शन कोई फ्लूड कलेक्ट होता है किसके कारण, जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलेंगे अपन ट्रांसुडेशन। अब इनको मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा, अभी यहां पर बात करते हैं अपन फीटल एंड मैटरनल ट्रांसुडेशन से क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा फीटल यूरिन, फीटल यूरिन के द्वारा भी क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन होता है इन लेटर प्रेगनेंसी आफ्टर 12 वीक, क्योंकि 12 वीक के बाद में क्या होता है, फीटस की किडनीज क्या होती है, यूरिनेशन, जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर देती है। देखिए आपको कोचिंग एक्स्ट्रा नीड नहीं है, आप यहां से हम आपको सारा सिलेबस कवर करा देंगे, सिर्फ आपका जो एक मोटिव रहना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को आपको समझने का तरीका होना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, घर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इसको आपको बेटर समझने में हेल्प मिलेगी। यहां से हम आपको जो भी क्लासेस करवा रहे हैं वो आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सिलेबस जल्द से जल्द हम कंप्लीट करवा देंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन कैसे हो गया, फीटल एंड मैटरनल ट्रांसुडेशन और फीटल यूरिन से, ठीक है, जो फीटस की जो किडनी से वो स्टार्ट कर देती है 12 वीक पे यूरिनेशन करना, तो फीटल यूरिन से भी क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर आपको बताता हूं मैं कि एक्सुडेशन और ट्रांसुडेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, एक्सुडेशन एंड ट्रांसुडेशन। जब आप एडिमा के बारे में पढ़ोगे तभी भी वहां पर भी ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक्सुडेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंफेक्शन से क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन, क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। अब आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, इन्फ्लामेशन होगी वहां पर और टॉक्सिन रिलीज करेगा, और टॉक्सिन क्या करेगा, टू ब्रेक द एंडोथीलियम, एंडोथीलियम को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब आपको पता होना चाहिए एंडोथीलियम जो होती है अपनी ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, एंडोथीलियम क्या होती है, ब्लड वेसल्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। एंडोथीलियम ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, प्रोटीन एस्केप, प्रोटीन क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, प्रोटीन बाहर निकल जाएगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, अगर प्रोटीन बाहर निकल गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फ्लूइड एस्केप, फ्लूइड क्या हो जाता है, एस्केप, और कंडीशन कौन सी हो जाती है, एडिमा की। किसी इंफेक्शन कंडीशन के अंदर इंफ्लामेशन और एडिमा देखने को मिलता है तो उसकी प्रोसेस ऐसे होती है, ठीक है, पहले कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है और एंडोथेलियम को ब्रेक डाउन हो जाता है। एंडोथेलियम ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होगा, प्रोटीन एस्केप होगी, और प्रोटीन निकलने के बाद में क्या होगा, वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा और फ्लूइड का
लॉस होगा और फ्लूड क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं एडिमा। एडिमा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लोकलाइज, एक होता है जर्नलाइज। लोकलाइज एडिमा में क्या होता है, जब कोई पार्ट एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है फ्लूड कलेक्ट होता है। जैसे अपन बात करें एलिफेंटेसिस जो डिजीज होती है, जो एक प्रकार के पैरासाइट के इन्फेक्शन से होती है, उसके अंदर क्या होता है सिर्फ एक पैर के अंदर क्या हो जाता है एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर बात करें अपन जनरलाइज एडिमा जिसको अपन बोलते हैं एनासार का या ड्रॉपसी, लाइक एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कंप्लीट बॉडी के अंदर एडिमा की कंडीशन होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है फ्लूड को बैलेंस नहीं कर पाती बॉडी। अब बात करते हैं अपन ट्रांसड्यूसेशन की, जो हमने देखी फीटल और मैटरनल ट्रांसड्यूसेशन में, किसमें फीटल और मैटरनल ट्रांसड्यूसेशन। ट्रांसड्यूसेशन फीटल और मैटर का मतलब कैसा हो गया, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। और क्यों होता है आपको पता है, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी कंडीशन होती है हाइपर वॉल्यूमिया, हाइपर वॉल्यूमिया। अप्रोक्सीमेट 6.5 लीटर फ्लूड इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर 6.5 लीटर फ्लूड इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है हाइपर वॉल्यूमिया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी फ्लूड की तो क्या हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने से ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज होगा और क्या होगा फ्लूड एस्केप। ये फ्लूड एस्केप होकर क्या बनाता है यहां पर एमनियोटिक फ्लूड, एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तीन मैंने आपको तरीके बता दिए एमनियोटिक फ्लूड के फॉर्मेशन होने के। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूड की वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूड का देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है, एमनियोटिक फ्लूड फॉर्म स्टार्ट 14th पोस्ट ओवुलेटरी डेज, 14th पोस्ट ओवुलेटरी डेज, मतलब जिस दिन ओवुलेशन हुआ था उसके ठीक 14 दिन बाद में क्या होता है एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक 14 दिन बाद में क्या होता है एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये फॉर्मेशन स्टार्ट होकर 12 वीक पर, कब 12 वीक पर कितना होता है 50 ml एमनियोटिक फ्लूड होता है। बात करें 20 वीक की, 20 वीक पर ये होता है 400 ml। 36 वीक पर अप्रोक्सीमेट 1000 ml या 1 liter। एंड 38 to 40 वीक पर 600 to 800 ml, मतलब वापस डिक्रीज हो जाता है। अगर बात करें अपन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के अंदर कितना होता है लेस देन 200 ml, जिसको अपन बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। क्या बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। देखिए पीआईडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू हमारे क्लासेस चल रही हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जब आएगा पेल्विस का उसके अंदर अपन डिजीज कंडीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी एमनियोटिक फ्लूड के वॉल्यूम की। एमनियोटिक फ्लूड जो स्टार्ट होता है फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम द 14th ओवुलेटरी डेज, ठीक है, 14वें दिन। पोस्ट ओवुलेटरी डेज का मतलब क्या हुआ जिस दिन ओवुलेशन हुआ था उससे ठीक 14 दिन बाद में एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है 12 वीक पर 50 ml, 20 वीक पर 400 ml, 36 वीक पर 1000 ml, 38 टू 40 वीक पर 600 to 800 ml, एंड पोस्ट टर्म में कितना होता है लेस देन 200 ml रह जाता है, ठीक है। अब यहां से अपन देखते हैं इसकी पीएच के बारे में। कई बार जब क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूड की पीएच की बात करें अपन तो पीएच कितनी होती है इसकी 7.32 7.4,
मतलब स्लाइटली एल्केलाइन होता है. स्लाइटली क्या हो जाता है? एल्केलाइन हो जाता है. ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो गई किसके बारे में? एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में. अब एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट होते हैं? देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड के बेनिफिट्स के लिए अपन बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस अगर किसी इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर बेबी में या फीटस की बात करें, इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी है, कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, तो अपन क्या करते हैं उसके एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा अपन क्या करते हैं उसको टेस्ट करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करके अपन क्या करते हैं उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो या फीटस के डेवलपमेंट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसको अपन असेस कर सकते हैं. या खुद एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को भी अपन डिसाइड करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं उसकी डिजीज कंडीशन को असेस कर सकते हैं. तो कौन कौन से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है उनकी बात करेंगे अपन. ठीक है, सबसे पहले देखिए एमनियोसेंटेसिस अपन इसके अंदर क्या करते हैं, एस्पायरेट करते हैं. एस्पायरेट द एमनियोटिक फ्लूइड डायरेक्ट किसके द्वारा? पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा अपन निडल इंसर्ट करके क्या करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करते हैं. और एमनियोसेंथेसिस टेस्ट करते कब है? 13 to 15 week पे, 13 to 15 week पर क्या करते हैं अपन एमनियोसेंथेसिस टेस्ट करते हैं. ठीक है, अब एमनियोसेंथेसिस टेस्ट में अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले इसका कलर. क्या देखते हैं सबसे पहले? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखते हैं. एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, अब एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन फीटस की कंडीशन को असेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीनिश कलर. मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, सबसे पहला कौन सा होता है? ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीनिश कलर. अब देखिए ग्रीनिश कलर जो होता है, मैंने आपको नॉर्मल कलर बताया था, कौन सा होता? पेल येलो या अंबर कलर. अंबर के अंदर कौन सा कलर होता है? येलोइश विथ ऑरेंज कलर. ठीक है, अब ग्रीनिश कलर क्या होता है? ड्यू टू द म्यूकोनियम स्टेनिंग. अब म्यूकोनियम स्टेनिंग क्या होता है? अगर फीटस म्यूकोनियम क्या होता है? फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी. जो नियोनेट होता है, अर्ली नियोनेट, उसके द्वारा पास किया गया फर्स्ट स्टूल क्या कहलाता है? म्यूकोनियम कहलाता है. अगर बेबी इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर अगर म्यूकोनियम पास आउट करता है तो वो क्या करेगा? फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन करता है. वैसे मोस्ट ऑफ द कॉमन जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके 24 आवर्स के अंदर 90% बेबी क्या करते हैं? म्यूकोनियम पास आउट कर देते हैं. लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर बेबी जो है इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर अगर फीटस जो है म्यूकोनियम पास आउट करता है तो क्या करेगा? क्योंकि जो फीटस होता है वो क्या करता है? स्वेलो करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है. और एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करने से फीटस के जीआई और लंग्स क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, उनका थोड़ा डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. अगर म्यूकोनियम स्टेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड अगर बेबी एस्पायरेट करेगा तो क्या करेंगे? वो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन कॉज करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश कलर का हो जाता है. अब हम बात करते हैं जो म्यूकोनियम होता है वो हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी, ये क्या करता है? फीटल डिस्ट्रेस भी कोज करता है. अब म्यूकोनियम मैं आपको बता रहा हूं आफ्टर डिलीवरी क्या करते हैं? बेबी पास आउट करता है. आफ्टर डिलीवरी In first 24 hours, pass out करते हैं. 90% neonate,
90% नियोनेट क्या करते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पास आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन 98% जो बेबी होते हैं वो 98% बेबी होते हैं वो 48 आवर्स के अंदर पास आउट करते हैं। अब कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है कि जो 2% जो बेबी होते हैं वो आफ्टर 48 आवर्स भी अगर म्यूकोनियम पास आउट नहीं कर रहे हैं तो उनको कंडीशन कौन सी हो सकती है, मेगा कॉलन। अगर नियोनेट जो होता है वो आफ्टर 48 आवर्स भी म्यूकोनियम पास आउट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर बेबी आफ्टर 48 आवर्स म्यूकोनियम पास आउट नहीं कर रहा है तो उसको कौन सी कंडीशन है, मेगा कॉलन की कंडीशन है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हिरस्प्रंग डिजीज। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है, देखिए हिरस्प्रंग डिजीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती है, क्या गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती हैं। और गैंग्लियोनिक सेल्स क्या होती है, जो फीकल मैटर होता है फीकल मटेरियल को पास आउट करने के अंदर हेल्प करती है। और ये जो फीकल मटेरियल अगर पास आउट नहीं होगा, गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होगी, फीकल मटेरियल पास आउट नहीं होगा तो क्या कहां कलेक्ट होगा, कॉलन के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कॉलन की साइज इंक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं मेगा कॉलन। ये कब होता है, जब 48 आवर्स के बाद में भी अगर बेबी म्यूकोनियम पास आउट नहीं करता है तो, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि बेबी जो होता है वो क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करता है जिससे उसका जीआई और लंग्स मैच्योर होते हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए अपने को देखिए, म्यूकोनियम के अंदर, म्यूकोनियम में प्रेजेंट होते हैं क्या, लेनुगो। अब लेनुगो क्या होते हैं, लेनुगो होते हैं स्मॉल फाइन एंड शाइनी हेयर ऑफ फीटस, ठीक है। जो फीटस के स्मॉल शाइनी हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूकोनियम के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, बेबी ने क्या किया, जो फीटस है उसने क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेट किया, जिसके कारण उसके साथ साथ क्या हुए, लेनुगो होते हैं वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर चले जाते हैं और कहां देखने को मिलते हैं अपने को, म्यूकोनियम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सेकंड कलर की। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया ग्रीनिश कलर किसमें होता है, म्यूकोनियम स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड के अंदर गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो आप कंटिन्यू क्लास को लास्ट तक देखें। इसके अंदर क्या होता है, देखिए गोल्डन कलर के अंदर क्या होगा, अगर आपको कंडीशन दे रखी है गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका रीजन होता है वो होता है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसके कारण क्या होगा, गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड शो होता है, ठीक है। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड शो होता है। नेक्स्ट इज, यहां से क्वेश्चन पूछता है हर बार एग्जाम के अंदर, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप इसको क्लास को रेगुलर देखिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है। सेकंड कलर ग्रीनिश येलो। अब देखिए इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो, वहां पर हमने पढ़ा था ग्रीनिश कलर और यहां पर पढ़ा था हमने ग्रीनिश येलो। तो ग्रीनिश येलो जो कलर होता है, ठीक है,
इसके अंदर मेनली जो कंडीशन देखने को मिलती है पोस्ट मैच्योरिटी, सॉरी पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर कौन सी कंडीशन होती है? ग्रीनिश येलो. नेक्स्ट इज द डार्क कलर या टोबेको कलर. किसके अंदर? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर. ये कंडीशन कब देखने में मिलती है? इंट्रायूटराइन डेथ के अंदर. इंट्रायूटराइन डेथ की कंडीशन के अंदर. या फिर एक जो लास्ट कलर होता है जिसके अंदर अपन कंडीशन देखते हैं हेमरेज की, उसके अंदर देखने को मिलता है कौन सा? डार्क रेड. डार्क रेड अगर कलर देखने को मिलता है तो कंडीशन होती है कौन सी? हेमरेज की. हेमरेज की कंडीशन में कौन सा कलर होगा? डार्क रेड कलर देखने को मिलेगा. ठीक है, इंट्रायूटराइन डेथ के अंदर डार्क कलर या टोबेको कलर होता है. पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर कौन सा होता है? ग्रीनिश येलो कलर देखने को मिलता है. डार्क रेड होता है किसके अंदर? हेमरेज की कंडीशन के अंदर. ठीक है, ये तो बात हो गई इसके कलर की और एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम्स की बात कर ली हमने. अब बात करते हैं इससे कुछ रिलेटेड टेस्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं आपको. एक बार एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट AFI टेस्ट. अब देखिए एमनियोटिक फ्लूइड जो इंडेक्स टेस्ट होता है इसके अंदर क्या करते हैं अपन? अंडर द यूएसजी एब्डोमेन को चार कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. एब्डोमेन डिवाइड इन फोर कंपार्टमेंट. एब्डोमेन को क्या करते हैं अपन? चार कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के बाद में क्या करते हैं? इसका मीजरमेंट करते हैं. अब मीजर कैसे करेंगे? मीजर करने के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, नॉर्मल वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में होगी? 5 to 25 सेंटीमीटर. अंडर द यूएसजी जो नॉर्मल जो वैल्यू होगी किसकी? चारों कंपार्टमेंट की, वो मिनिमम क्या हो सकती है? 5 एंड मैक्सिमम क्या हो सकती है? 25 सेंटीमीटर हो सकती है. लेकिन अगर हमें मीजरमेंट करने के बाद में हमें देखने को मिले कि मिनिमम जो वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू किसकी? चारों कंपार्टमेंट की लेंथ की. ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो ये कौन सी कंडीशन होगी? ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. कौन सी? ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन होगी. और ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है? लेस देन 200 ml क्या होगा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का वैल्यू होता है. ठीक है, और अगर यही कंडीशन अगर हम मेजरमेंट किया हमने और चारों कंपार्टमेंट की जो लेंथ है वो मैक्सिमम हो, कितनी? मोर देन 25 सेंटीमीटर, तो यहां कौन सी कंडीशन होगी? पॉलीहाइड्रोएमनियोस. कौन सी होगी? पॉलीहाइड्रोएमनियोस. और यहां पर एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है कितना होता है? मोर देन 2000 ml. तो कुल मिला के अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो AFI टेस्ट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो टेस्ट है, उसकी वैल्यू अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. और अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर तो क्या होगा? पॉलीहाइड्रोएमनियोस. ध्यान रखना ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है? लेस देन 200. और पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर कितना होता है? मोर देन 2000. ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो यहां पर कई बार पूछ लेता है एग्जाम में. फीटस जो होता है, फीटस
swallow the amniotic fluid. Swallow amniotic fluid from 12 week से क्या करना स्टार्ट कर देता है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है. और फीटस जो किडनी होती है, फीटस किडनी स्टार्ट फॉर्म द यूरिन, कब स्टार्ट कर देती है, एट 12 week. और 12 week पर फीटल जो किडनी होती है वो यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मेनली इस पूरे टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, या तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट से पूछ सकता है, या फिर मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर मैंने आपको बताया वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, देखिए पीडीएफ हम अवेलेबल करवाएंगे आपको, हम नोट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं, फिर हम यहां से आपको हार्ड कॉपी कोरियर करवाएंगे हर एक स्टूडेंट को जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए. ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि हम जब विदिन 1 या 2 डेज एम्स की टेस्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में पीजीआई और ऋषिकेश की टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो आप रेगुलर हमारे टेस्ट से ही ज्वाइन कर सको. तो आपको पता है गूगल पे आप जाके सर्च करें rjcareerpoint.com, वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई दिक्कत आए तो आप क्लास के बाद में हमारे जो सपोर्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन जो फंक्शन होता है क्या होता है, प्रिवेंट शॉक, या बोल सकते हैं अपन शॉक एब्जॉर्बेंट का काम भी करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट का भी काम भी करता है. ठीक है, इसके अलावा अप्रूव द फ्री मूवमेंट ऑफ अप्रूव है फ्री मूवमेंट किसका, फीटस का, फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ. इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या करता है, फीटस को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, कौन, एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, इसके अलावा सम न्यूट्रेटिव वैल्यू भी होती है इसकी, क्या होती है, सम ऑफ न्यूट्रेटिव वैल्यू. तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. ठीक है, तो यहां से हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है. मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कब से होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के कलर कौन कौन से होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी स्वेलो करता है, ये कुछ 5-7 जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी विजय सर की, तो आप कंटिन्यू देखें, उसके बाद में साइकेट्री की क्लास होगी, फिर उसके बाद में विक्रम सर की क्लासेस होंगी. तो रेगुलर आपकी 4 क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम एमएसएन, ओबीजी, फंडामेंटल और साइकेट्रिक कवर करवा रहे हैं, और नेक्स्ट वीक से हमारी जो कम्युनिटी और पीडियाट्रिक्स की क्लासे भी स्टार्ट हो जाएगी, और मैथ रीजनिंग की जो क्लासे हैं वो आपकी नियर द एग्जाम हम कंटिन्यू क्लासेस करवा के आपका कोर्स कवर करवा देंगे. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें, और आपका जो सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप यूं ही आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी अपने जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उन सभी तक ये हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच सके. तो रेगुलरिटी आप रखें स्टडी के अंदर, आप कोई भी रुकावट ना डालें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सी एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्योरी को रिवाइज करते रहें साथ साथ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रिवाइज जरूरी है. उसके लिए हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस करें, घर बैठे भी आप कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं. सो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट.